Hey guys, welcome to another episode of Geeky Shiki. मैंने अभिनीत भारद्वाज एंड गाइस मार्वल की जो आखिरी उम्मीद है लोकी सीजन 2 इज फाइनली आउट. मतलब लोकी सीजन 2 का ट्रेलर इज फाइनली आउट एंड इट्स इनक्रेडिबल. अमेजिंगली ट्रेलर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है बट ये ट्रेलर अपने आप में भी काफी कंप्लीट लगता है, काफी इंटरेस्टिंग है. मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो मजा आने वाला है सीजन 2 में. बट फिर भी एज पर सम सोर्सेज मैंने सुना है कि लोकी सीजन 2 वोंट बी दैट गुड जितना लोकी सीजन 1 था, क्योंकि लोकी सीजन 1 अपने आप में जहाँ पे जिस हाई पॉइंट पे खत्म हुआ था लोकी सीजन 2. खैर सब छोड़ी, इसके बारे में बात नहीं करते, सीधा हम ट्रेलर ब्रेकडाउन में आगे बढ़ते. सो गाइस ट्रेलर की शुरुआत होते कि हम देखते हैं कि मोबियस और लोकी पहुंचते हैं आर्काइवल रूम जहाँ पे हम देखते हैं कीहू कैनगर. ये काफी फेमस एक्टर है, इन्होंने शॉर्टी का रोल प्ले किया था इंडियाना जोन्स 2 में. उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में भी आए थे, जिसने ऑस्कर जीता मूवी में. उसी के साथ एक फिल्म आई थी गूनीज जो कि 80s की काफ़ी फेमस फिल्म है, उसमें जॉश ब्रोलिन भी है. जॉश ब्रोलिन वही जिन्होंने थानोस का रोल प्ले किया था. एनीवे उस फिल्म में की वो कौन भी थे, बच्चे का रोल प्ले किया था जो कि एक इन्वेंटर था जो कि चीज़ें बनाता था. वो जेम्स बॉन्ड का भी काफ़ी बड़ा फैन था वो बच्चा. सिमिलरली इसका कैरेक्टर भी यहाँ पे सेम रखा गया है कि यहाँ पे चीज़ें इन्वेंट करता है. आर्काइवल रूम में साइंटिस्ट है खासतौर पर टीवी का. ऑल्सो गाइज ये जो टीवी है ये सीजन 2 के एंड सीजन 1 की जहाँ पे एंडिंग हुई थी, हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे यूनिवर्स के टीवी में पहुँच गए, ये वही यूनिवर्स है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली गाइस जो सीन होने वाला है ये सीजन 2 का एपिसोड 1 का ही सीन है, जहाँ पे लोकी सबको समझाता है मोबियस को कि मैं दूसरे यूनिवर्स के टीवी से आया हूँ, मैं इस यूनिवर्स में आ गया हूँ. एंड समहाउ मोबियस की मदद करेगा लोकी की अपने यूनिवर्स में वापस पहुँचने के लिए, इसलिए वो यहाँ पे इस आर्काइवल रूम में पहुंचे हैं ताकि कुछ ऐसी डिवाइस ऐसी कुछ मिल सके जी ताकि लोकी अपने यूनिवर्स में पहुंच सके. ऑल्सो गाइस हम देख सकते हैं कि लोकी यहाँ पे ग्लिच कर रहा है बार बार. एंड गाइज ये ग्लिच ना काइंड ऑफ सेम चीज़ याद दिलाता है जैसे कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स अक्रॉस स्पाइडरवर्स, इसमें हमने देखा है कि मतलब कोई भी कैरेक्टर दूसरे यूनिवर्स में जाएगा तो वो ग्लिच करेगा. लेकिन ऐसा सेम सिनेरियो टॉबी मैग्वायर ने एंड्रू गारफील्ड का इसलिए नहीं होता बिकॉज वो मैजिक पोर्टल के थ्रू इस यूनिवर्स में आए थे. ऑल्सो गाइज यहाँ पे जो की हुआ कौन का जो कैरेक्टर है यहाँ पे हम देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें बनाता है टीवी के लिए, टीवी की पूरी टेक इसके हाथ में है. इसलिए यहाँ पे मूवीज पूछता भी है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी डिवाइस है टीवी के पास, कोई ऐसी डिवाइस बना सकते हो जो ये ग्लिच को रोक सकते हैं. प्लस गाइस ट्रेलर में हमने मल्टीपल टीवी को भी देखा जो कि अलग अलग यूनिवर्स के टीवी होने वाले हैं, तो मतलब इस शो में हमको डिफरेंट टीवीज भी देखने वाले हैं अलग अलग यूनिवर्स के. तो लोकी सीजन 1 वैसे तो अगर हम प्राइमरली फोकस करें तो एक ही यूनिवर्स में था, मतलब उसमें भी अलग अलग यूनिवर्सेज थे लेकिन एक ही यूनिवर्स पे था क्योंकि एक ही लोकी पे वो फोकस था. लेकिन इस यूनिवर्स में मतलब सीजन 2 में हम अलग अलग यूनिवर्सेज और अलग अलग लोकी भी देखने वाले हैं, मतलब टॉम हिडलस्टन जैसे दिखने वाले ही लोकी की हम कहानी एक्सपैंड होते देखने वाले. आई गाइस हम ये देखते हैं कि लोकी यहाँ पे सिल्वी की तलाश कर रहा है क्योंकि सीजन 1 के बाद सिल्वी कहाँ है किसी को भी नहीं पता. सिल्वी के कुछ शॉट्स लीक हुए थे, कुछ इमेज निकल के जिससे हमको पता चलता है कि सिल्वी एक्चुअली मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है. और ये हमने ट्रेलर में भी देखा, सिल्वी फिलहाल मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है, 1970s में 70s की टाइमलाइन में रह रही है और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रही है जैसे वो हमेशा जीना चाहती थी. एंड ऑब्वियसली बात है कि लोग उसकी तलाश कर रहे हैं, तो शो का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट या फिर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पार्ट 70s में भी होगा. ऑल्सो गाइस एक शॉट देखते हैं हम जहाँ पे लोकी कुछ पिराना फोर्स के आगे है और पीछे जेट स्कीज रखी हैं. जैसे सब जानते हैं कि जेट स्कीज का एक्चुअली दीवाना है मोबियस. इस शो में इस सीजन में हमको मोबियस की पास कहानी मिलने वाली है कि एक्चुअली क्या कनेक्शन है मोबियस का जेट स्कीज के साथ. ऑल्सो गाइस आगे एक सीन में हम ये देखते हैं कि लोकी एक और लोकी को देखता है, तो प्रॉब्ली अभी लोकी अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे वाला लोकी जो मेन वाला लोकी है ना अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है या फिर सिल्वी की तलाश कर रहा है, हो सकता है पास्ट टाइमलाइन में हो क्योंकि लोकी एक और लोकी को देखता है. तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, या तो लोकी पास्ट में गया है तभी इसको एक और लोकी दिख रहा है, या फिर वो दूसरे यूनिवर्स के लोकी से मिल रहे हैं. खैर बहुत कन्फ्यूजन है, वो हमको ट्रेलर के बाद सीधा के सीधा शो में ही पता चलेगा. ऑल्सो गाइज एक शॉट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो ये है कि आफ्टर जब मतलब सिल्वी ने जब हीहू रिमेंस को मार दिया था तो फिर उस कैसल का क्या हुआ, वो एकदम नष्ट हो गया था, वो हमको देखने को मिलता है एक हल्के से एक शॉट में. ऑल्सो गाइज हमको पता चल रहा है जितने भी रूमर्स निकल गए थे केट डिकी एक ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी का रोल प्ले करने वाले शो में और वही मेन विलन होंगी, ओल्डर वर्जन ऑफ सिल्वी जो कि एक्चुअली यंगर वर्जन ऑफ सिल्वी को मारना चाहती है बिकॉज ने हीहू रिमेंस को मार दिया और मल्टीवर्स की शुरुआत हुई. तो ऐसे कुछ प्लॉट होने वाले शो का. एंड अगर हम बात करें तो कैंग का रोल कम होगा, बहुत कम होगा, मतलब बीच बीच में आएगा कुछ एपिसोड्स में आएगा लेकिन ये प्राइमरीली फोकस सिल्वी या फिर ओल्डर सिल्वी पे ही होगा शो. और गाइस हमको एक और यहाँ पे थ्योरी डिडक्ट कर सकते हैं कि सिंस लोकी ऑलरेडी जानता है कि पहले यूनिवर्स में क्या हो चुका है तो क्वाइट पॉसिबल जिस करंट यूनिवर्स में लोकी है मतलब सीजन 1 के बाद वो जानता है कि क्या एक्चुअली हो चुका है, कैंग की असलियत क्या है, टाइम कीपर्स की असलियत क्या है,
तो हो सकता है गाइज कि वो मोबियस को और बाकी लोगों को जगह एक जगह लेके गया जहाँ पे वॉल पे टाइम कीपर्स बने हुए हैं एंड उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी पीछे एक्चुअली कैंग का रियल चेहरा दिखता है जैसा हमने ट्रेलर में देखा। ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल सिंस यहाँ पे हम टाइम कीपर का सर कटा हुआ देख सकते हैं जैसे पिछले सीजन में भी देखा था, हो सकता है इस सीजन में भी देखें। जिस यूनिवर्स से फिलहाल लोकी है ऑलरेडी जान देते हैं टाइम कीपर से एक झूठी कहानी है, उनको भी सर काट देता है वो एंड ताकि कैंग की रियल सच्चाई बाहर निकल के आ सके। और हो जाता है एक्चुअली कोई और यूनिवर्स का एक और टीवी है जहाँ पे लोकी हेल्प कर रहे हैं कैंग की रियलिटी बाहर निकालने के लिए। तो ये गाइस जो भी है कैंग डायनेस्टी हो गया या फिर सीक्रेट वॉर्स हो गया, लोकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आगे हम देखते हैं गाइस कि लोकी और मोबियस अलग अलग जगह टाइम में ट्रैवल करते हैं, जैसे एक था शिकागोज वर्ल्ड फेयर काफ़ी पहले मतलब अर्ली 20th सेंचुरी की बात हमको देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइमलाइन हमको देखने को मिलेंगे। ऑल्सो वो यहाँ पे लोकी और मोबियस इसलिए आते ताकि वो विक्टर टाइमली को ढूंढ सके, जो कि एक्चुअली एक ये थ्योरी सजेस्ट करते हैं विक्टर टाइमली आगे जाके ही हू रिमेन्स बना। तो ही हू रिमेन्स बनने से पहले अगर विक्टर टाइमली को पकड़ लिया जाए तो शायद कभी कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए क्वाइट पॉसिबल कि विक्टर टाइमली को पकड़ने के लिए मोबियस और लोकी इस टाइम में आए हैं। और अगर कॉमिक बुक से बात की जाए तो विक्टर टाइमली काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रह चुका है, जिसने टाइमली नाम का अपना ही एक टाउन बनाया था और वहाँ पे वो रोबोट्स के ऊपर काम करने गया था, एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम करने लग गया था जो कि उस टाइम के हिसाब से मतलब पास के हिसाब से काफ़ी एडवांस। ऑल्सो गाइस हम यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए तो हम रवोना रामचिलर को भी देख सकते हैं जो कि उसी टाइम मतलब 20th सेंचुरी में अवेलेबल है एंड क्वाइट पॉसिबल विक्टर टाइमली का ही शो देखने के लिए आई थी। एंड कॉमिक्स की बात की जाए एक्चुअली रवोना एंड कैंग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लवर्स थे, तो क्वाइट पॉसिबल कि रवोना की और विक्टर टाइमली की यहीं पे मुलाकात हुई और आगे जाके विक्टर टाइमली तो ह्यू रिमेंस बन ही गया था। आए गए हमको मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, हमको 1970s का एक रेड कार्पेट इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पे मूवी लगी हुई है ज़ेनियाक। ज़ेनियाक मार्वल का एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है जो कि थॉर के सामने अपीयर हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा लंबा मतलब कोई खास कैरेक्टर नहीं था, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आया था। आए गए हम देखते हैं कि काफ़ी फेमस एक्टर है 1970s का जो कि अपनी कार से बाहर निकल के आ रहे हैं और इसी को ही लोकी और मोबियस कैप्चर करते हैं। तो हो सकता है गाइस कि यही वो एक्टर है जिसने ज़ेनियाक का रोल प्ले किया, मतलब जो मूवी ज़ेनियाक का रोल प्ले किया है और उसको फिर आगे वो टीवी में पकड़ते भी हैं, तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होने वाला है टाइम के साथ। हमको कुछ कुछ सेकंड के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, जैसे हंटर B15 जिसने कुछ अपना अफ्रीकन क्राउन पहन रखा है, लेकिन बहुत ही छोटे से सेकंड के लिए। तो क्वाइट पॉसिबल गाइस कि हंटर B15 के हमको एक्चुअली पास स्टोरी भी यहाँ पे हमको देखने को मिले। ऑल्सो गाइस हम कुछ सेकंड यहाँ पे रेवन रेंसले को देख सकते हैं, इसने कुछ खतरनाक सा वेपन ले रखा है, वही विक्टोरियन टाइम के मतलब वही टाइम पे जब वो विक्टर टाइमली को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीन होने वाले हैं जहाँ पे विक्टर टाइमली को पकड़ने के लिए जाते हैं, कुछ खास तौर पे एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं। एंड रेवोना एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल कि विक्टर टाइमली फिर कैंग की बॉडीगार्ड टाइप काम करती हो। आए गए हम देखते भी हैं कि मोबियस एक स्पेस सूट में गया है, बाहर स्पेस में कहीं पर जा रहा है, कुछ तो चल रहा है यहाँ पे टाइम रिएक्टर टाइप का जिसको वो ठीक करने के लिए जा रहे हैं। और गाइस देखने से पता चलता है कि टाइमलाइन है वही टाइमलाइन जो कि अलग अलग मल्टीवर्स को ख़त्म कर रही है, फिर अलग अलग मल्टीवर्स को बना रही है और मोबियस इसी को ठीक करने के लिए आगे जा रहा है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होगा। तो एक्चुअली लोकी सीजन 2 से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, बट जैसे मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया था कुछ रूमर्स ऐसे भी हैं कि शायद उतना अच्छा ना हो जितना लोकी सीजन 1 था, बट कहे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑल्सो गाइस हमको ट्रेलर के एंड में हमको बहुत ही बड़ी मिस मिनट्स देखने मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, और एक शॉट हम ध्यान से देखें तो एक जगह हम काफ़ी सारे कैंग्स को आपस में फाइट करते हुए भी देख सकते हैं, और ये रेफरेंस है मल्टीवर्सल वॉर के बारे में जो कि हमने पिछले सीजन में देखा था। आई गेस हमको बैक टू बैक कुछ और एक्शन सीक्वेंस देखने मिलते हैं एंड लोकी तो फिर भी ठीक करना चाहता है सब कुछ, लेकिन सिल्वी सिर्फ एक सिंपल जिंदगी जीने चाहती है एंड वो ये कहती भी है कि वी आर नॉट गॉड्स, हमारा काम नहीं है सब ठीक करना, जो हो गया सो हो गया। एंड गाइज यहीं पे कुछ अपना ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर लोकी सीजन 2 के ट्रेलर से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कॉमेंट्स में आकर जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि अगर आपके पास खुद की कोई थ्योरी हो, कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं, एंड ये तो मुझे जरूर बताना कि लोकी सीजन 2 के लिए आप एक्साइटेड हैं या नहीं। अभी पर्सनली स्पीकिंग MCU के अभी तक जितने भी शोज आए हैं, मैं डेयरडेविल को उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, MCU के जितने भी अभी तक शोज आए हैं वांडाविजन से लेकर अभी तक जितने भी, लोकी मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है बिकॉज ऑफ द मल्टीवर्स एंड सबसे बेस्ट शो था। आपका फेवरेट कौन सा शो है प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You
Thank you.